ओके, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि होल विज़ार्ड में थ्रेड का यूज़ कैसे किया जाता है, लेकिन अभी एक और फीचर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, वो उसका नाम है की स्टड। द स्टड फीचर्स नॉर्मली सभी सॉलिड वर्क के वर्जन में अवेलेबल नहीं है। ये 22 के वर्जन के बाद के वर्जन में ये स्टड विज़ार्ड आपको मिलेगा। बराबर, स्टर्ड विज़ार्ड की भी कंडीशन वही है कि वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे ही काम करेगा। तो ही अगर ये मैं ओपन नहीं करता तो ये मुझे इंडिकेट ही नहीं करता, दैट्स वाई मैंने ये क्रिएट किया है। चलो, तो उसको स्टर्ड को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास मैंने क्रिएट किया है ये। ओके, तो स्टर्ड डायरेक्टली हम एक अगर सिलेंड्रिकल शाफ्ट क्रिएट किया है उस पर काम कर सकता है, या मैन्युअली फ्लैट सरफेस पे भी काम कर सकता है। अगर मैं यहाँ से स्टर्ड विज़ार्ड में जा रहा हूँ तो मुझे टू ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल बॉडी जो हमने क्रिएट किया है, या सरफेस बॉडी। जो सरफेस यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ से एज सिलेक्ट कर रहा हूँ, चलो ये तो हो गया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई स्टर्ड होता क्या है, व्हाट मेक बी डिफरेंट बिटवीन द स्टर्ड एंड थ्रेड। ओके, तो स्टर्ड लाइक लुक लाइक दिस। ओके, तो स्टर्ड ऐसा दिखता है। तो स्टर्ड में आइदर थ्रू आउट थ्रेड हो गए या बीच में थ्रेड नहीं हो गए। स्टर्ड की मेन डेफिनेशन है कि टू सॉलिड स्ट्रक्चर को कंबाइन करना है। बराबर, हाँ, बोल्ट में एक साइड हमारे पास कैप आती है, इसमें कोई कैप नहीं आती है। बराबर, ये जो बीच का पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड द शाफ्ट, और ये आपको दिख ही रहा है कि ये थ्रेड है। बराबर, तो ये शाफ्ट है, इसको शाफ्ट कहते हैं। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले शाफ्ट क्रिएट कर रखा था, तो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं कि थ्रेड। लेकिन यहाँ थ्रेड एक्चुअल थ्रेड के जैसा विजिबल नहीं होगा, यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा। बराबर, तो यहाँ से मैंने ये ले लिया है थ्रेड। लाइकवाइज यहाँ से हमें मेट्रिक लेना है, कौन सा लेना है, मशीनिंग थ्रेड। अभी मेरा जो यहाँ का डायमीटर है वो 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम थ्रेड की साइज़ कितनी होनी चाहिए वो दिखा रहा है यहाँ से। बराबर, ओके, ये ब्लाइंड कंडीशन के भाई कितने तक जाना चाहिए थ्रेड। तो फॉर एग्जांपल मुझे जाना चाहिए 15 तक। ओके, जो बाकी जो है दिस इज़ कॉल्ड शाफ्ट। ओके, तो पहले मैं इतना क्रिएट कर देता हूँ, तब आपको दिख रहा है। ओके, तो ये थ्रेड ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेड नहीं हो रहे, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ ऑप्शन में, यहाँ से डॉक्यूमेंट डिटेलिंग सेड कॉस्मेटिक थ्रेड, और आपको दिख रहा है। ओके, नाउ तो ये हो गया थ्रेड स्टर्ड। लेकिन स्टर्ड के अंदर मेरे पास यहाँ थ्रेड क्लास है। तो थ्रेड क्लास का मतलब क्या है कि आपको कैसा टॉलरेंसिंग एंड फिट रखना है। बराबर, 2A मीन्स लूज, फिर मीडियम और एकदम लूज रखना है। बराबर, तो उस टाइप से आपकी किस टाइप की रिक्वायरमेंट है उस तरफ रखते हैं। जनरली 2A इज़ अ प्रिफरेबल। लूज मीन्स नॉट नॉर्मल हाई लूज, दिस इज़ कॉल्ड हाई लूज, नॉर्मल और एकदम लूज। तो लेकिन मुझे 2A ही चाहिए, जनरली हम 2A पे ही काम करते हैं। अंडर कट में हम और भी यहाँ से कट कर सकते हैं। बराबर, अगर यही डायमेंशन को मैं फॉलो करके मैं आपको दिखाऊँ, तो आपको यहाँ दिख सकता है कि आपको किस टाइप से चाहिए। बराबर, अगर एस टाइप का आपका कोई रिक्वायरमेंट है तो, नहीं तो इसका ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं इसको निकाल देता हूँ अंडर कट को। ओके, फाइन। नाउ तो ये एज पे था, लेकिन अभी स्टर्ड विज़ार्ड मुझे ये सरफेस पे करना है। तो यहाँ जा रहा हूँ, पोजिशन में जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ रख दिया। ओके, फाइन। तो अब टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए स्टर्ड की, मैं बोल रहा हूँ 25। ओके, तो 25 अगर मैंने किया तो मेरे पास दो सिलिंड्रिकल बॉडी आई। तो दो क्यों है, तो नीचे वाला जो है वो है शाफ्ट, और ऊपर वाला है जो उसको कहते हैं स्टर्ड। तो स्टर्ड का डायमीटर यहाँ से मैं दे रहा हूँ 15, ये है 10, और यहाँ से NSI मेट्रिक और मशीनिंग थ्रेड, और यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ M5 और M8। ओके, लाइकवाइज जो हमने सिलेंड्रिकल बॉडी में किया था सिमिलर ही सब एक्टिविटी है, थ्रेड क्लास अंडर कट, लेकिन टाइप चेंज हो गया है। बराबर, तो इसको कहते हैं स्टर्ड विज़ार्ड। ये आपको 2022 प्लस के वर्जन में ही अवेलेबल है, 21 में भी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल थिंग दैट इंट्रोड्यूस इन अ सॉलिड वर्क। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।